Radha Swami. सत्पुरुष बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में आने के बाद मुझे संत मत का थोड़ा ज्ञान हुआ, पूरा नहीं कह सकता हूं अभी। थोड़ा ज्ञान क्या हुआ कि जितने भी संत महापुरुष आए संसार में, गुरु नानक से लेकर कबीर साहब ले लिए, दादू, पलटू, पीखा जी, बहुत संत है मेरे देश में जिन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, हमें सच्चा रास्ता बताया। किसी महापुरुष ने अपनी वाणी से हमें समझाया, किसी महापुरुष ने अपने जीवन से हमें समझाया, किसी महापुरुष ने लिख करके हमें दिया कि ये इस रास्ते पर चलो। मगर मैं देखता हूँ कि दुनिया इस चीज़ की अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। क्यों अधिकारी नहीं है कि दुनिया बाहर मुखी ज़्यादा है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने अपने ढंग से दुनिया को बताया। जैसे वो मक्का में गए और वहाँ जो मक्का था उधर को पाँव लेट करके सो गए, वो तो संत थे। तो काजी आया, उसने कहा भाई तू कौन है, हमारे खुदा की तरफ पाँव करके बैठा है, लेटा हुआ है तू। तो गुरु जी ने उनको इशारे में समझा दिया कि जिधर तेरा खुदा नहीं भी मेरी पाँव उधर को कर दो। जो कट्टर हैं वो तो ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने घुमाया उनका सिर पकड़ कर तो मक्का भी घूम गया, ऐसा नहीं है। उसको ज्ञान हो गया काजी को कि हाँ खुदा क्या इधर ही है, खुदा तो चारों तरफ है। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो भाई, इतनी बड़ी बात कह रही है तुम कौन हो। तो उन्होंने वहाँ एक बहुत प्यारी बात कही, क्योंकि हिंदू वहाँ जा नहीं सकता, हिंदू कहूँ तो मारी है, मुसलमान भी ना, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं क्या कौन हूँ। पांच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम, मैं सिर्फ पांच तत्व का एक पुतला हूँ। ये बहुत ऊंची बात कह दी उन्होंने, जहां कोई मतभेद ही नहीं रहने दिया। तो क्या दुनिया ने इस बात को समझा, नहीं समझा, कोई नहीं समझने को तैयार। कबीर साहब आए, कबीर साहब ने फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ चले गए, नाथ ये जो गोरखनाथ के टिल्ले में चले गए, वहां वो सब ओम 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 कर रहे हैं, बैठे भांग पी हुई है, ओम ओम करते हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा भैया मैंने भी भांग पीना है। कहते कितने गिलास पियोगे, एक गिलास नहीं पीना मैंने, पूरा घड़ा बना दो। कहते ये पागल हो गया साधु, पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये सिंपल सा आदमी है और कहता है घड़ा पीऊंगा। उन्होंने बना कर रख दिया, ले पी ले। तो गुरु नानक साहब जी गिलास भरे और ऐसा करके कुल्लू कर दें, ऐसा करके कुल्लू कर दें, ऐसा करके घड़ा सारा खत्म हो गया। कहते आपको क्या फायदा हो गया इसका, आपने घूट पिया तो है ही नहीं। तो कहते तुम जो जे ओम ओम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो ओम गया ही नहीं, तुम भी तो बाहर कुल्ली कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो, ये गुरु नानक साहब की वाणी है। फिर वो वहाँ चले गए, क्या नाम है, हरिद्वार चले गए। तो वहाँ पंडित जी गढ़ में भर कर सूर्य को ऐसे दे रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, सूर्य को ऐसे दे रहे हैं। तो गुरु नानक साहब ने भी अपना बर्तन भरा हो, इधर को मुंह करके इधर को पानी देने लग गए। कहते ले ये कौन पागल आ गया भाई, सूर्य तो इधर है, ये इधर को पानी दे रहा है, इधर भी तुम क्या कर रहे हो। कहते आप क्या कर रहे हैं, हम तो सूर्य देव को पानी दे रहे हैं, सूर्य देव तक पानी आपका पहुंचता है, तो मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं, मेरे खेत करतारपुर में है। उनको भी समझा दिया कि तुम ये भी गलत कर रहे हो, मेरी बात समझ गए। बनारस में चले गए, बनारस में जाकर वहां पता लगा कि यहाँ कोई भाई साधु आया है बहुत बड़ा, हम तो पहले बड़ा विद्वान है, बहुत विद्वान है हम, हमारे साथ क्या मुकाबला करना। तो उन्होंने एक गिलास दूध का भेजा, देखते हैं इसमें क्या ज्ञान है। भरा हुआ गिलास, लो जी आपके लिए भरा हुआ गिलास भेजा है हमने, कि जहाँ आपकी जरूरत नहीं है यहाँ सब हम पूरे। उन्होंने एक फूल लिया और गिलास में रख कर वापस भेज दिया। कहते तुम्हारा गिलास तो भरा हुआ है, इसमें खुशबू नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, संतों की वाणी में आपसे कह रहा हूँ। संतों ने हमें समझाने की कोशिश की, ऐसे कबीर साहब ने जो देखा वो लिख दिया,
जो देखा वो लिखा और प्रमाण के साथ लिखा। स्वामी जी महाराज ने क्या किया, वो तो अंदर चले गए, समाधि लगा ली। जो देखा अंदर देखा, बाहर कुछ नहीं देखा। उनकी वाणी से पता लगता है कि दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो अंदर की बात कर रहे हैं। उनके शिष्य सालग्राम साहब जी महाराज ने भी वही लिखा जो उन्होंने देखा। बाबा फकीर आए, उन्होंने भी क्या कहा, अनुभव किया पूरा। कबीर ने जो कहा उसका अनुभव किया कि क्या ये वाणी सत्य है। जो गुरु नानक साहब जी ने कहा, जन नानक बिन आपा चीना मिटना भ्रम की काई। जब तक हम अपने आप को नहीं जान लेंगे, हमारी भ्रम नहीं जाएंगे। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने अपने आप को जाना सबसे पहले, ऐसे जैसे दाता दयाल जी ने उनको समझाया। फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। कहते मैं जो समझता था, महाराज जी कहते मैं जो समझता था कि मैं बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, दाता दयाल को मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं समझता तो दाता मेरे पास है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। ये दाता का रूप तो मैंने बनाया हुआ था, मेरा तो घर और आगे था, तो मुझे असलियत का पता चला। तो दाता दयाल जी महाराज, आज एक शब्द आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी जिंदगी है क्या। हमारी जिंदगी मन के अधीन है। हमारी जिंदगी जब मन यहां बैठ जाता है तो देखने में फंस जाता है, जब मन यहां आ जाता है तो रसों में फंस जाता है, जब ये मन सुनने में लग जाता है तो सुनने वाली बातों के पीछे लग जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और जैसे ही वो हमारा मन इस कर्म इंद्रियों पर पहुंचता है तो कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दाता दयाल जी का उन्होंने मसाले दी, हमें समझाया कि ये पक्षी, ये द्रव, ये जानवर, ये परिंदा, ये क्या छोटे से छोटा जिसको कहते हैं भमरा, ये कैसे फंसते हैं, ये कैसे इनका अंत हुआ, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। हमें ज्ञान है, तो वो मिसाल से हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दाता दयाल जी महाराज का शब्द का लो, जगत की लीला परख परख लिए। हाँ, क्या है पढ़ो, देखो क्या है लिखा है, जगत लीला परख चित चित चेत गया। लीला को मैंने परखा, देखा कि जगत में हो क्या रहा है, पशु पक्षी कैसे रह रहे हैं, तो मुझे पता लग गया कि नहीं, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और अपने अंदर जाना। वो जो असलियत है, जब वो प्राप्त हो जाए फिर चिंता नहीं रहती। फिर चिंता किस बात की, चिंता तो मन की है। मन ही समझ लिया कि मन है क्या, मन क्या देखता है, मन कैसे देखता है, मन खाने का लालच क्यों करता है, मन सुनने के लिए बुरी बुरी बातें क्यों इंटरेस्ट रखता है। जब ये बात समझ आ गई तो इंसान अपनी आंखें भी बंद कर लेता है, कान भी बंद कर लेता है, जुबान भी बंद कर लेता है, वो मौन दृष्टि में रहता है और बोलता तब है जब उसकी बोलने की जरूरत होती है। सुनिए कैसे कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, पढ़ो। जग लीला परख चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया। दाता जी कहते हैं कि मैंने जगत की लीला को देखा, उस पर विचार किया, फिर मेरा चित्त जो था वो चिंतन में आ गया, विचारों में आ गया कि ये क्या है संसार, इसमें जीना कैसे है, वो बताने लगे हैं। आगे पढ़ो। चेत गया चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया। मेरा मन दुनिया को देखकर, संसार के खेल को देखकर, प्रकृति को खेल को देखकर चेतवान हो गया, होशियार हो गया, जीने के लिए पता लग गया रास्ता कहाँ चलना, कैसे नहीं चलना। बोलिए आगे। रेशम का कीड़ा अज्ञानी, रेशम का कीड़ा अज्ञानी, मोनिद में सोया, मोनिद में सोया।
बंधन मुआया पो फंस गया अपने बंधन मुआ आप फंस गया बिरथा जीवन खोया। पहली बात उन्होंने कही है रेशम के कीड़े के बारे में कही है। रेशम का कीड़ा कैसे बनता है ये हमीरपुर के साथ नदौन गांव है वहाँ ये रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा बाग है जो शहतूत के पत्ते वो खाता है। खाकर फिर अपने चारों तरफ एक धागा ऐसे ऐसे बनाता जाता है अंदर ही रहता है। धागा बनता जाएगा वो ऐसे बन जाएगा गोल और उसमें सांस चला जाता है उसका। और फिर उसको जो रेशम निकालने वाले हैं फिर उसको उबालते हैं पानी में उबाल कर उस धागे को ऐसे काट देते हैं फिर वो आगे मशीनें काम करती हैं। तो दाता दयाल जी कहते हैं उसको ज्ञान नहीं है वो मोह में फंस गया कि मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ मैं खा रहा हूँ मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों खाया तो अपना ही है ना वो जो खा रहा है उसके साथ उसका शरीर लिपट रहा है वो अंदर ही अंदर रह जाता है। तो कहते हैं मोह की नींद वो सो गया और उसने लालच किया और लालच करते करते वो उसी बंधन में फंस गया। दाता दयाल क्या कहते हैं हमारा जीवन क्या है हमारे जीवन का तंत्र कौन सा है जिसमें हमें फंसाया हुआ है हमारे जीवन का धागा कौन सा है। रेशम के कीड़े का तो धागा उसने खाया वो किया। हमारा भी एक धागा है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। जो कुछ भी हम खाते हैं हक हलाल की कमाई खाते हैं तो मन की हालत और होगी। अगर हक हलाल की कमाई नहीं है किसी और तरह की है किसी बेईमान की कमाई हुई की हुई है तो वो आपके मन पर असर डालेगी। तो जो हम खाते हैं उससे हमारा एक धागा बनता है मन रूपी ख्याल मन के ख्यालों का जंजाल हम उसी में फंस जाते हैं और उसी में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत ऊंची बात दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं हमारे मन के ख्याल ही हमारे जीवन को चारों तरफ के घेर लेते हैं चाहे वो खुशी के हैं या गम के हैं या मित्रता के हैं या शत्रुता के हैं या अपनापन के हैं या परायापन के हैं। वो कहां से निकले हमारे मन से निकले ना। तो हमारा मन भी हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऐसी पोटली बना लेता है हमें निकलना वहां से मुश्किल हो जाता है और इंसान उसी विचार में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए हमारा भी मन जो है ये भी वही खेल खेलता है जो रेशम का कीड़ा करता है। मेरी बात को समझ रहे हो सुनील बेटा ये हमारा ख्याल ही है और कुछ नहीं। जैसा ख्याल वैसा हाल जैसी मति तैसी गति जैसी नियत तैसी मुराद ये संतों का तत्व है निकाला हुआ। जैसी तुम्हारी अंदर की नियत होगी अंदर का जो तुम्हारी चाहत है वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा और जैसा ख्याल है उसके मुताबिक तुम्हारा हाल हो जाएगा। खुशी का ख्याल आया तो तुम नाचने लग जाते हो गमी का ख्याल आया तो तुम ठुस हो जाते हो। ये क्या है ये हमारे अपने मन का ही ख्याल है। ना बाहर कोई गमी है ना कोई खुशी है एक सार है ये सारा संसार। जैसा तुम्हारा ख्याल होगा वैसा संसार तुम्हें नजर आएगा। और आपने देखा होगा ना जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जो साथ चले होते सभी वहां उस वक्त ये कहते हैं जो संसार कुछ नहीं है जी चार दिन की जिंदगी है ये है बड़ा अफसोस किया होता है तब वहां उस वक्त सारे कहते हैं कि ये जिंदगी कुछ नहीं। लेकिन जैसे घर पहुंचे कौन हुआ सो कौन हुआ कौन नहीं जानता फिर वो उसी चक्कर हमारा चलने लग जाता है। हम नहीं ये जानते कि हमने भी एक दिन जाना है भाई ये क्या कारण क्या है इसका कारण क्या है। मैंने इसके ऊपर विचार किया कि उस वक्त तो हम सभी कहते हैं कि रहना किसी ने नहीं फिर कौन सी चीज है तुम्हारे अंदर जो कहती कि कोई नहीं मरता नहीं। एक चीज अब आपके अंदर है जो मरती नहीं है शरीर मरता है मन भी मरता है आत्मा भी मरती है लेकिन वो जो चौथी चीज है जिसको कहते हैं तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु गति चिन्ना वो जो सतगुरु की बात बताई हुई है कि तू शरीर नहीं है तू मन भी नहीं है तू आत्मा भी नहीं है तू इन तीनों में खेलने वाला है
तू अपने आप को पहचान। संत हमें वहां लाकर छोड़ते हैं। ऐसे ही दाता दयाल जी महाराज हमें अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहली बात तो ये सीख लो कि अपने ख्यालों में जंजाल में नहीं फंसना। आगे मछली जीभ स्वाद रस भूखी, और आगे आ जाओ। हाँ मेरी तरफ देख के बोलना। मछली जीभ स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली। मछली जीभ स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली। कटिया के काटे उरझानी, कटिया के काटे उरझानी, मृत्यु हिंडोले भूली। अब वो दूसरी मिसाल देते हैं कि मछली की मिसाल देते हैं। मछली को भूख जब लगती है तो दौड़ती है, ऐसे ऐसे करती है। जब ऊपर से किसी ने कांटा नीचे डाला हुआ हो, कांटे में ऐसी चीज डालते हैं जो मछली बहुत पसंद करती है। मछली उस चीज को बहुत पसंद करती है जो कांटे में उन्होंने लगा दी होती है। आप कभी मछली पकड़ने वालों को देखो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने देखा है मछली पकड़ने वालों को, वो उसमें कोई मांस का टुकड़ा लगा देंगे या एक वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं वो लगा देते हैं, तो मछली एकदम उसको ऐसे मार दिया और उसका दांत उसमें फंस जाता है और वो निकाल लेते हैं और उसको मार कर खा जाते हैं। किस चीज ने उसको मारा? खाने के स्वाद ने मारा, उसकी भूख ने मारा। हम लोग आज भारत में क्या कर रहे हैं? हमारा खाना बदल गया है, हमारा पहरावा भी बदल गया, हमारी संगत भी बदल गई, हमारा खाना भी बदल गया, इसलिए हम ज्यादा दुखी हैं। कितने हॉस्पिटल बन गए देश में देखो, पहले कौन होता था हॉस्पिटल? केवल हकीम होते थे गांव में, वो ऐसे नब्ज देखते थे, दो पुड़िया दे दी चल बेटा ठीक हो जाएगा, या शरबत दे देते थे पीने के लिए। क्या बात कहता हूँ मैं। कई ऐसे ऐसे भी मशहूर वैद हुए हैं जो लड़कियों को हाथ नहीं लगाते थे, बीमार लड़की होगी उसको लेकर जाना तो वो कच्चा धागा उसके यहाँ बांध देते थे और वो जो होता था हकीम या वैद वो धागे को पकड़ कर वही से महसूस करता था कि इस लड़की को क्या बीमारी है। ये आपके पिपला वाले में एक आदमी था जो पेशाब देखकर इंसान कर, मुझे याद है छोटा था मैं तो लोग उसके पास अपना पेशाब ले जाते थे, वो पेशाब को देख कर बता देता तुम्हें क्या बीमारी है। आज क्या है, आज कितने कितने पैसे देकर तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, मशीनें लग गई, बड़ी बड़ी मशीनें लग गई। क्यों लगी ये, किस लिए लगी? क्या इससे 50 साल पहले कुछ ऐसी चीजें थी? 60 साल पीछे देखो झांक कर, मुझे मेरे गांव के हकीम का पता है कि वो ऐसे हाथ लगाता था और बच्चा ये दो पूरी, एक पूरी अब खाना, एक दोपहर को खाना, एक रात को खाना, बस बुखार में कुछ नहीं रहता था कुछ नहीं। आज बीमारियों का कोई पता नहीं लगता क्यों है, क्योंकि हम स्वाद रस में पड़ गए हैं। हमें ये नहीं पता कि हम जो खा रहे हैं, हमारे अंदर जो चीज है जो खाने को पचा रही है, हमारे अंदर जो चीज है जो धड़कन कर रही है, वो इसको अच्छा समझती है या नहीं समझती, इस कारण हम यहाँ दुखी हैं। इसलिए संतों ने कहा थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु का कहना मान तेरे भले की कहूँ। ये संतों की वाणियां हैं और दाता दयाल जी महाराज मिसाल से हमें बता रहे हैं कि ऐसे हमारा हाल, हमारा भी हाल मछली जैसा ही है। खाते हैं फिर डॉक्टर की जो कुंडी है उसमें हम फंसते हैं, वो कहता टेस्ट ये कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, हूँ ECG करवाओ, हूँ पता नहीं क्या क्या बताते हैं, आप सब जानते ही हैं। कारण क्या है? शरीर में कोई बीमारी नहीं है, शरीर में बीमारी हम अपनी खुराक से पैदा करते हैं। सिंपल ईटिंग, सिंपल लिविंग और सिंपल सब कुछ होगा तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रह सकती है।
ये दाता दयाल जी महाराज हमें हिदायत कर रहे हैं, आगे पढ़ो। भावरा फूल बासी कालो भी, भावरा फूल बासी कालो भी, कमल पत्र लपटाना, सारी रात बंध में काटी, सारी रात बंध में काटी, रोना और पछताना। अब भंगले की बात चलती है, खुशबू बहुत आती है ना, कई दफा तुड़का बड़ा बढ़िया लगा हुआ हो तो आदमी सोचता बहुत बढ़िया खाना बना है, और आजकल मसाले ऐसे आ गए हैं पता नहीं उन्हें क्या होता है। मुझे तो अपना बचपन याद आता है, कोई मसाला होता ही नहीं था, धनिया होता, धनिया धनिया जानते ना, जिन बेहद पंजाबी जो बोलते हैं, माताएं उसको कूट लेती थी, बस वो होता था, जो काली मिर्च होती थी या सुंड होती थी या अजवाइन होती थी, ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया चीज क्या होती थी, हींग होती थी, बस ये चीजें रसोई की है। अब रसोई में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, MDH मिलेगा, पता नहीं क्या है उसमें क्या नहीं है, क्या है उसमें हमें क्या पता क्या डाला गया उसमें, बाकी चीजों का तुम्हें पता है कि हमने ये डाला है, अदरक डाला है, सूठ डाली है, अजवाइन डाली है, जिस घर में ये चीजें हैं वहां इंसान के बीमार होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। या वो मसाले हैं उनमें क्या है क्या नहीं है, शायद उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हुआ है हॉस्पिटल वालों से कि तुम ये डालो तो लोग बीमार होंगे हमारे पास आएंगे, क्या कहा मैंने, बमरा फूल फंस गया, खुशबू बहुत अच्छी लगी उसको और वहां बैठ गया कमल के फूल के ऊपर, उसको ये पता नहीं कि रात को ये फूल बंद हो जाता है और वो भी उसी में बंद हो गया और सारी रात उसी में बैठा मर गया। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये खुशबू जो है खाने की खुशबू, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। सिंपल से सिंपल हो जाओ, सिंपल से सिंपल हो जाओ जहां तक हो सकता है, कुदरत की चीजों को खाओ जितना कम से कम हो सकता है, तुम्हें कोई बीमारी नजर नहीं आएगी, मैं क्या कह रहा हूं आपको। तो ये तीसरी चीज हमारे दाता दयाल जी ने कहा कि खुशबू के पीछे नहीं जाना। मुझे याद एक बात आई, बच्चे छोटे छोटे होते थे तो स्कूल से आ रहे हैं तो उनकी मम्मी बासमती बनाते थे, दोपहर को बच्चों ने आना दाल और बासमती के चावल, तो ने मम्मी आज लगता है चावल बने हैं, बहुत स्वाद आया, बड़ा खुशबू आई है, चाह के खाते थे बच्चे मेरी पास से। अब वो खुशबू है नहीं, बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी आप बासमती ले लो, मैंने तो देखा उसमें कुछ भी नहीं है, रंग दिया हुआ है, जब पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते भगवान जाने। खुशबू से भी बचना है, खुशबू भी अच्छी नहीं है। अब तो मैंने देखा क्या है, क्या बताऊं आपको, लोग नहाते नहीं है, नहाते बिल्कुल नहीं है, और घर में वो बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं, डब्बे लंबे लंबे, बस उसको ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, चलो चल पड़े। अब बताइए वो क्या करेगा भाई, तुम्हारी वो बाहर की खुशबू क्या करेगी, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरा पोता, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, वो कहता दादाजी साबुन ना इस्तेमाल किया करो। मैं कहा मैं तो सारी उम्र साबुन लिया भी, हमारे टाइम में तो सनलाइट होता था या लाइफ बॉय होता था, अब तो साबुनों का कोई पता नहीं लगता। नहीं दादाजी ये खुश्की करते हैं। मैं कहा अच्छा फिर क्या करूँ, मैं आज आपके लिए लाऊंगा कुछ। उसने दो इतनी इतनी बड़ी एक बड़ी शीशी एक इतनी छोटी शीशी ला के रख दी मेरे बाथरूम में, एक रबड़ का स्पंज सा रख दिया, ये स्पंज जानते हैं ना रबड़ सा। मैं कह बच्चा क्या दादाजी इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ, आप बहुत बूढ़े हो गए ना, आपको नहीं नहीं देखा मैं, हमने देखा है। मैं कह अच्छा क्या करना है इसको, ये है इसके साथ सिर्फ सिर नहाना है। कैसे नहाना भाई, बस इसको ऐसे करके हाथ पाँव ले लेना, ऐसे मान लेना और सिर को लगाना, मुंह को भी लगा लेना, पहले सिर धो लेना, फिर क्या करूँ, फिर जो ये शीशी है इसको इस पैड पर डालना ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हाथ ऐसे ऐसे करना, फिर इसकी झाग मिल जाएगी, फिर झाग को लगाना अपने सारे शरीर को। मैं क्या ये बता कि इतना पंगा मैं काहे के लिए करना, क्या तू अपने रख ला, मैं
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਬਤਾਈਏ ਤੋ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰ ਕੇ ਕਿਧਰ ਹਮਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਏ ਬੁਆਏ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਨਲਾਈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਨਲਾਈਟ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਐਸ ਟੀ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ, ਜੋ ਟਿਕਟ ਵੇਚਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਸਮੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਮੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨਕੇ ਤੇਜ਼। ਮੈਂ ਤੋ ਅਭੀ ਬੱਚਾ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣ, ਨਹਾਤੇ ਸਮੇਂ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਚਾਕੀ ਤੋ ਐਸੇ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਐਸੇ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਕਭੀ ਕੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੇ, ਕੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਏ ਵਾਹ ਉਹ ਬੜੀਆ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਕਭੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ। ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਬਾਤੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਹਮ ਕਿਸਮੇ ਚਲ ਗਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਲਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਤੋ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਮੇ ਯੇ ਡਾਲਾ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਕਿਧਰ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਧਰ ਕੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਸਿੰਪਲ। ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤੇ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੋ ਚੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋ ਬਾਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਆਪਸੇ ਕੀ, ਆਗੇ ਚਲੋ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਮੋਹੇ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਮੋਹੇ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਖੋਣਾ, ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਪਤਿੰਗਾ ਜਲਤਾ, ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਪਤਿੰਗਾ ਜਲਤਾ, ਅੰਤ ਪੀਠ ਸ੍ਰੀ ਰੋਣਾ। ਅਬ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੋ ਦੀਪਕ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਜਲਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਦੀਏ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਦੀਆ ਜਲਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਟਨ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਸਰਸੋਂ ਕੇ ਤੇਲ ਕੇ ਪਾਸ ਬਮਰੇ ਆਤੇ, ਬਮਰੇ ਵੋ ਉਸਕੇ ਅਗਨੀ ਕੇ ਵੋ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੋਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕਰ, ਵਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਭੂਲ ਵਾਹ ਸਵਾ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਸੇ ਆਗੇ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਓ, ਯੇ ਕਹਾ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਹਮਾਰੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਮੇਂ ਕਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋਤ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੂਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਨੂਰ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ। ਤੋ ਵੋ ਜੋਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਅੰਗ ਹੈ, ਯੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਯਹੀ ਕਹਾ ਨਾ, ਜੋਤੀ ਮੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਤੋ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸ ਜੋਤੀ ਕੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਗੀ, ਔਰ ਵੋ ਭਾਗਾ ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਐਸੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਲ ਛੜ ਗਏ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਆਂਖ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਤੁਹਾਰੀ ਨੀਯਤ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਿਸੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿਸ ਨੀਯਤ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿਸ ਨੀਯਤ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਰੀ ਨੀਯਤ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਵੋ ਔਰ ਹੈ, ਆਂਖ ਵੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਆਂਖ ਸੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖਤਾ ਉਸੀ ਰੀਤ ਸੇ, ਔਰ ਵਹੀ ਆਦਮੀ ਜਬ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸੀ ਅੰਕ ਸੋ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਉਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਹੀ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਬਹਿਨ ਕੋ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਕੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਜਬ ਦੇਖੇਗਾ ਤੋ ਉਸਕੀ ਨੀਯਤ ਮੇਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਰ ਕਾਮ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੀਯਤ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਵੀ ਨੀਯਤ,
सुनने में भी नियत, खाने में भी नियत, कर्म करने में भी नियत को सामने रखो। नियत क्या होती है? बैलेंस, विचार बैलेंस, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें गिलानी नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें किसी तरह की कड़वाहट नहीं है। ऐसी नियत को अपने अंदर पैदा करो ताकि तुम्हारे कर्म जो है वो कभी बिगड़ ना सके। तुम्हारे कर्म बिल्कुल तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम्हारी सहायता वाले बनेंगे, वरना तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा। आगे कहो। हाथी ने हथनी जब देखी, हाथी ने हथनी जब देखी, सूंड से सूंड मिलाया, गिरा शिकारी के गड्ढे में, गिरा शिकारी के गड्ढे में, बेड़ी पांव बधाया। दाता दयाल जी महाराज के समय में हाथियों को पकड़ा जाता था और उनके पकड़ने का आज तो ढंग और हो गया। अब तो संगल डाल देते हैं, जब ऐसी चीज लगा देते हैं जिसमें हाथी फंस जाता है। उस पर खड्डा निकालते थे वो लोग, खड्डा निकाल कर एक हथनी का रूप बनाकर वहां खड़े कर देना, उसको हथनी का रूप बनाना, वहां खड़े कर देना, सूंड भी बना देना, आंखें भी बना देनी, तो हाथी देख कर आना। उसने देखना हो मेरा साथी खड़ा है, तो आकर जैसे उसने आगे बढ़कर सूंड के साथ सूंड मिलाया, आगे खड्डा उसमें गिर जाना। ये शारीरिक रूप से कहा गया है, ये शारीरिक रूप की मिसाल दी है कि अपने रूप को जैसे समझा कि ये तो मेरा ही साथी है, ये तो मेरा अपना है, ये नहीं पहचाना कि ये ठीक है या गलत है। ये शारीरिक रूप से वो आकर्षित हुआ और आकर्षित होने के बाद कहाँ गिरा? खड्डे में गिरा। और किसने पकड़ा? दुश्मनों ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, वो आज़ादी खत्म हो गई, वो सोच खत्म हो गई, वो रहनी खत्म हो गई। ऐसे ही मैंने देखा है हमारे देश में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, जो मुझे टेलीफोन आते हैं, लड़कियों के टेलीफोन आते हैं, पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा क्या हुआ बेटी? तू मेरे से टेलीफोन पर बात कर ले। कहती मेरा पति जो है वो पुलिस में है। उसमें है तो फिर क्या हुआ? वो सब इंस्पेक्टर है। मैं कहा फिर क्या हुआ? वो लड़कियों से बहुत बातें करता है। जब मेरी शादी हुई तो वो लड़की शादी में भी आई थी। अच्छा बेटी, मैं कहा तुम्हें शक पड़ गया तेरा पति ठीक नहीं है? सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, तेरे पति के डिपार्टमेंट में लड़कियां भी पुलिसमैन हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, तेरा पति सब इंस्पेक्टर है, तेरे दिमाग में ये गलत ख्याल क्यों आया? उसने तो काम लेना है अपने अपने जो साथी हैं, वो उनसे बात करेगा, नहीं तो किससे करेगा? किसको आदेश देगा तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ? ये आपने गलत सोचा, तेरा पति तो बहुत अच्छा है, ड्यूटी करता है, अपने घर से भी आकर आदेश देता है तेरे को, तेरे से ऐसी भाग्यशाली कौन हो सकती है? उसके दिमाग से वो ख्याल मैंने निकाल दिया। फिर उसका फोन आया, महाराज जी आपने ठीक कहा था, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से कभी बुरा नहीं, मुझे बोलते नहीं कभी बुरा। तो मैं कहा तेरा दिमाग अपसेट हो गया, डोंट थिंक बैड अबाउट योर पार्टनर, आपने अपने आप को खुद अपने ही जाल में फंसा लिया। अब क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? ऐसे ही बहुत ज्यादा पर ये जो भ्रम का जाल फैल जाता है, ये भ्रम ही है ना। हाथी ने समझा कि ये हथनी है मेरी साथी है, भ्रम वापस गया, लड़की के दिमाग में भ्रम आ गया कि मेरा पति दूसरी लड़की से बात करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपने ही मन से अपने जाल बिछा कर उसी में फंस जाते हैं और दिन रात बेचैन रहते हैं जब तक कि असलियत ना बताई जाए। मैंने उसको असलियत बताया, नाउ शी इज हैप्पी। क्या कहा मैंने? तो हथनी नहीं थी, हथनी को निकाल दिया वहां से, वहाँ कोई हथनी नहीं है तेरे मुकाबले में, तू सबसे प्यारी है बेटी, अगर फिर भी तुम्हें शक हो तो मुझसे बात करना। बात मेरी समझ गए हो? मैं मिसाल देकर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी सर्दी में आए हो और कुछ ख्याल ले जाओ। अपने ख्याल में कभी भी द्वेष पैदा नहीं करना, अपने ख्याल में कभी भी नीचता पैदा नहीं करना,
अपने ख्याल में कभी नेगेटिविटी नहीं लाना, जब नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, बच्चों आप अच्छे ख्याल ले रहे हो, 5 दिन 10 दिन बड़े अच्छे ख्याल है तुम्हारे, लेकिन एक दिन तुम्हारे ख्याल में कमजोरी आ गई, एक दिन तुम्हारे ख्याल में वहम पड़ गया, भ्रम हो गया, तो जितना का जितना तुमने महल बनाया अच्छे ख्यालों का, वो सब टूट कर गिर जाएगा। क्या कहा मैंने, ये मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी का आदेश है। इसलिए ऐ इंसान, तुम मन मत मत हो, तू गुरु मत में आ जा। मन मत तुम्हें हमेशा रॉन्ग रास्ते पर ले जाएगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा। गुरु की वाणी हमेशा तुम्हारा साथ देगी, वो ही साथ देती है। गुरु मेरे अंग संग है, किस रूप में, वाणी के रूप में, शरीर के रूप में नहीं। शरीर के रूप में कैसे हो सकते हैं आपके साथ हर जगह, उनका वचन हमारे आपके साथ हमेशा रहता है, और अगर वचन पॉजिटिव मिल गया तो जिंदगी में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती। आगे चलो। माखी गिरी साध की थाली, माखी गिरी साध की थाली, पंख गए लपटाई। आगे पढ़ो। माखी गिरी साध की थाली, पंख गए लपटाई, लालच बुरी बला है भाई, सिर धुर जान गवाई। अब वो शहद की मक्खी की मिसाल देते हैं दाता दयाल जी महाराज, बड़ा विचार अच्छा देते हैं। इसमें क्या है, लालच, लालच है ना। अब ये जो शहद की मक्खी होती है, ये फूलों से शहद निकालती है, फूलों से लेकर अपना शहद बनाती है, कितनी हल्की होती है। आई बैठी, खर्चा उसमें से कुछ और चली गई, फिर गई, फिर आई वापस, फिर आई। देखो आप, मैं तो देखता हूँ अपने घर में कुछ फूल लगे हुए थे, गर्मियों में बहुत आती हैं, गर्मियों में आती हैं, पानी भी पीती हैं आकर। तो अगर उसको शहद की कहीं नज़र आ जाए, पे यहाँ शहद लगा हुआ है, ये थाली भरी हुई है,